हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के हवाले से एक बड़ी खबर। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर यासीन मलिक की तबीयत बिगड़ गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने झूठे मुकदमे में सजा पर तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रखी है, जिसके बाद तबीयत नासाज होने पर उन्हें जेल के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कश्मीरी रहनुमा 51 साल यासीन मलिक ने तिहाड़ जेल में 5 रोज से भूख हड़ताल कर रखी है और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जेल के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भारत में वाकया तिहाड़ जेल के सबसे हसास हिस्से में कैद हुर्रियत रहनुमा को जब रबिया कत्ल केस में अदालत में पेश होने की इजाजत नहीं दी गई तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स की टीम के तबी मायने के बाद कश्मीरी रहनुमा को इंजेक्शन और ड्रेस के जरिए तवानाई फराहम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जिसमें पानी और नमकियात की कमी ना हो। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह का मुतालबा है कि रबिया सईद कत्ल केस के मुकदमे में उन्हें अदालत में खुद दलाल पेश करने का मौका फराहम किया जाए। ख्याल रहे कि मार्च 2019 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद किए गए यासीन मलिक को टाटा कानून के तहत 25 मई 2022 को दो झूठे मुकदमात में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।